खड्डी कबाब बलूचिस्तान का सकाफती पकवान है। इसकी तैयारी के लिए पहले बकरे को साबित काट कर इस पर छुरी से कट लगाए जाते हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ मसालों का मिक्सचर लगाकर इसे 6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मसाले लगे बकरे को 3 फुट गहरे खड्डे में कोयलों पर पकने के लिए उतारा जाता है और ऊपर लोहे की चादर रखकर इसे गीली मट्टी से ढक देते हैं। 3 घंटे दम पर पकने के बाद आपका गर्मा गर्म और लजीज खड्डी कबाब तैयार है। ये लोग बहुत पसंद कर रहे, मिट्टी की चीज है, बहुत पसंद कर रहे, ये तंदूर पे बनाते हैं हम लोग, ये जो दम्पोख है। लज्जत और गिजायत से भरपूर इस पकवान की तैयारी में पूरा दिन लग जाता है, पर जब मट्टी हटाकर इसे खाने के लिए निकालते हैं तो इसकी खुशबू खाने वालों की भूख को मजीद बढ़ा देती है। मेरे सारे जो कजन हैं, अंकल हैं, ये डिफरेंट सिटीज से आए हैं पाकिस्तान के, तो ये यहाँ का थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, तो इसके बारे में काफ़ी मैंने सुना था, जैसा हमने सुना था इसको, वाकई इसका टेस्ट उसी तरह मैंने मिला और हमने बड़ा इंजॉय किया इसको। दोस्तों की टोलियां हो या किसी त्यौहार का फंक्शन, बलूचिस्तान का रिवायती खड्डी कबाब दस्तरखान की जीनत जरूर बनता है। चंद लोग तो बकरे के पेट में मसाले वाले चावल भरवाने की भी मांग करते हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा।